नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SSC CGL 2021 के टीयर फर्स्ट के एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपकी एक एक्सपेक्टेड कटनी होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। SC कैटेगरी से OBC या ST, जो भी अगर आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व, उस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल कोई भी कैंडिडेट है, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिएगा, आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अपने टीयर टू की तैयारी करें। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए वीडियो मैं बताने वाला हूं कि आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, वीडियो के साथ अंत तक बनिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर चेक कर पा रहे होंगे आपकी कट ऑफ। देखिए, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं, जो कि आपको मैं बोलना चाहूंगा इसी के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ बात करूं, तो अगर आपके मार्क्स की बात करें 135 के मार्क्स के अराउंड आप सभी के बैठने, कितना 135 मार्क्स के प्लस, ठीक है, इसके आसपास अगर आपके पास मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप अपना समझ सकते हैं कि हम अब सेफ जोन में हैं और अपना स्टेज टू की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीयर टू की अपने तैयारी कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप अपना अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। मेल हो या फीमेल, अगर इतने मार्क्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ अपने सेफ जोन में हैं। अगर फीमेल की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा 5 नंबर आप कम कर सकते हैं फीमेल के बारे में, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाने वाली फीमेल की भी, ये बात ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं देखिए ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 132, कितना 132 मार्क्स आपकी कट ऑफ, आप समझ सकते हैं ये आपकी कट ऑफ आप सभी की रहने वाली है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, फीमेल हो या मेल, ठीक है। हो सकता है मेल की, फीमेल की थोड़ा सा कम हो जाए, मेल की थोड़ा सा डिक्रीज हो सकती है, ठीक है, मीन्स आपका इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ अराउंड आप सभी की इतनी रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ EWS की, तो देखिए EWS की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो 127 आप सभी के कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, EWS कैटेगरी वालों के लिए। आगे बात करते हैं, देखिएगा SC कैटेगरी की बात करें, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ की बात करें 120 मार्क्स प्लस, यानी 120 मार्क्स आप अगर आपने गेन कर लिए हैं अच्छी तरह से, एकदम अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपना नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो आप ये समझ सकते हैं अपने टीयर टू की तैयारी कर सकते हैं। ST कैटेगरी वालों के लिए तो देखिए यहाँ पे मैंने 115 लिख दिया वैसे, लेकिन 110 भी है तो भी आप मान सकते हैं कि हाँ अपना सेफ जोन में है, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा भाई कि ये कैटेगरी वाइज मैंने अभी आपको बता दिया है, जो कुछ जो कि आपके, अगर फीमेल की बात करूँ तो इसमें 5 नंबर आप डिक्रीज माइनस कर सकते हैं फीमेल वाले, ठीक है। बाकी आपके कट ऑफ इतनी ही रहने वाली, मैंने जो अभी आपको बताई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप सभी को बता रहा हूँ। अगर इससे अच्छे ज़्यादा नंबर है, मान लो किसी के 140 मार्क्स प्लस हैं, मतलब 140 मार्क्स प्लस हैं, तो वो तो आप समझ सकते हैं कि हाँ कोई टेंशन ले बात ही नहीं है। अगर इससे कम मार्क्स हैं, अगर आपके कितने भी कम मार्क्स बैठ रहे हैं, अब मैंने जो अभी आपको बताया इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, कितना प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, इसके अराउंड आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप ठीक हैं कि आप अपना सेफ जोन में हैं और अपना टीयर टू की तैयारी कर सकते हैं। और किसी कैंडिडेट को ये लगता है कि मतलब नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद मेरे मान लो 90 मार्क्स बैठ रहे हैं या 100 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो भाई मैं आपसे बोलना चाहूँगा, देखिए आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा लेकिन मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आप अपना नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी कट ऑफ तो कम नहीं जाने वाली है, खैर मेरे हिसाब से मैंने आपको बताऊँ प्रीवियस ईयर में भी अभी तक देखा गया है, तो ठीक है ना। तो आपकी कट ऑफ अगर इतनी बैठती है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ अपना सेफ जोन में है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं भी लैग कर रहा हूँ तो अपने उस पर वर्क करिए अच्छी तरह से कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, ठीक है। इस बार आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा अगले बार एग्जाम के लिए तैयारी करिएगा, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। भाई मैं बस आपको इतनी सी जानकारी देने वाला था मैं कि आपकी कट ऑफ बता दूं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ आप अपना सेफ जोन में है या नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको कैटेगरी वाइज आप सभी को बता दिया है, और आप अपना कमेंट में एक बार स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है, मेल है या फीमेल है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको अपना यानी कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यानी कि दायरा बता दिया है, आपके इसके अराउंड है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ मैं एक सेफ जोन में हूँ और अपना स्टेज टू की तैयारी आराम से कर सकता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता, आई होप आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। तो देखिएगा, आपसे कहना चाहूंगा अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों, और कमेंट करके जो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो कुछ थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आपसे कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।